जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है। आज हम इसको वर्कशॉप ले आए हैं, इसका रेडिएटर लीक कर रहा था जो कि अभी हमने खोला है। रेडिएटर आपको दिखाते हैं, इसमें रेडिएटर। ये अहमद साहब भी हमारे साथ साथ हैं। अहमद साहब, खोल दिया रेडिएटर आपने? जी खोल दिया रेडिएटर। क्या सूरत लगती है आपको? बस चेंज करेंगे इसको। रेडिएटर चेंज करेंगे आप? चेंज करेंगे, रिपेयर नहीं करेंगे? कोशिश करेंगे, अगर रिपेयर हो गया तो उन्हें तो चेंज तो करना पड़ेगा। सारी बात भाई, रिपेयर करो। बहुत आजकल हालात बहुत टाइट हैं। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। हाँ, इमरान खान को वापस लाना है, फिर हालात ठीक हो जाएंगे। ये तो है। मेरी ये हमारा रेडिएटर पड़ा हुआ है। कंडीशन तो माड़ी हुई रेडिएटर की, अल्लाह करे सानू ठुके ना जरा। रेडिएटर की कंडीशन है और इंजन इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। बस रेडिएटर का एक लंबा खर्चा पड़ने वाला है, क्योंकि गाड़ी लेने से पहले भी मुझे किसी ने कहा था कि इसका मसला रेडिएटर का ही आता है। और वो मज़े की बात है, वो हमारी गाड़ी में आया है। देखें जी, अब क्या बनता है। अभी खोला है रेडिएटर, आपको इसके कुछ चीज़ें बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं। पहले आपको गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी दिखा दूँ कि 2002 मॉडल है और स्मेल इतनी ज़बरदस्त है इसकी अभी भी कि जैसे कि एक कंपनी की गाड़ी हो। आप इसे थोड़ी कंडीशन देखें, ये 2002 में इनकी ऐसी सीट्स, कंफर्टेबल सीट्स हैं, मून रूफ के साथ। क्या जबरदस्त पे फैब्रिक लगा हुआ है। ये रेडिएटर के लिए कुछ पानी की बोतलें रखनी पड़ेंगी मेरे साथ। अब रेडिएटर हम नया डलवाएंगे तो अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। क्या जबरदस्त लेदर की फाइन है। ये दो तीन छोटे छोटे काम हैं लेकिन महंगे वाले काम हैं, जैसे कि अभी आपको ये दिखाया, इसका रेडिएटर निकाला है। ठीक है, रेडिएटर काफ़ी खस्ता हालत में है। फिर ये वाटर जो जैकेट इसकी होती है वो निकाली, वो भी खस्ता हालत में। और तीसरा, इसके पावर का इशू भी हो सकता है, स्टीयरिंग पावर का ना, एक अंदर की सारी पावर लगती है क्योंकि स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड है। तो देखिए कितना जेब को लटका पड़ता है। खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे, इसको हमें फिट करना है, उसकी वजह ये कि हमें इसको चलाना है।